स्वागत है हमारे चैनल पे लेस लर्न विद अस्मिता। अब पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस थे पार्ट वन के वो क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम अपना पार्ट टू करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसमें बेसिकली क्वेश्चन कम है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, ठीक है। इसके में जो अलग टाइप्स हैं उनको हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कुछ पढ़ते भी जाएंगे, किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए और बी काम करते हैं 15 और 10 दिन में, ठीक है। दे बिगेन वर्क टुगेदर बट बी लीव्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन चलेगा कि बी ने छोड़ दिया, ठीक है, इतने दिन बाद, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ काम है कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, दे बिगेन वर्क टुगेदर बट बी लीव आफ्टर 2 डेज, ठीक है। 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, देन टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ए और बी ने साथ में काम शुरू किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उनको उनकी दिन लिख लेंगे, उनके ऐसे हमने 30 ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अब आएगा यहाँ पर ए ने 2 दिन तक काम किया, सॉरी मतलब एक दिन में दो काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, ठीक है। तो दे वर्क टुगेदर बट बी लीव आफ्टर 2 डेज, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद तुम्हें बी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो जो टोटल काम है, ठीक है, ए और बी ने जो साथ में किया वो 2 दिन का हो गया, मतलब 5 टू 10 वर्क उन्होंने साथ में किया, ठीक है। 10 वर्क यहाँ पर आ गया। तो अब जो टोटल वर्क कितना है, 30 वर्क है। तो 30 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 वर्क उन्होंने क्या किया, साथ में काम किया, 20 वर्क अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो 20/2 कर लिया, 2 से डिवाइड किया तो 10 डेज, तो 10 डेज लग जाएंगे बचा हुआ काम ए को अकेले करने में। क्वेश्चन का समझ में आया आपको क्या है, फिर से बताता हूँ। ए और बी को साथ में काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। हमने ए और बी का एलसीएम ले लिया, जो भी जितने दिन वो काम कर रहे थे। ए को 1 दिन में 2 काम कर पाता है, बी 1 दिन में 3 काम कर पाता है। टोटल नंबर ऑफ काम 30 था, तो जब हमने प्लस के टोटल 2 और 3 का वो आया 5 काम, 5 काम वो टोटल साथ में करते हैं। 2 दिन में वो 10 काम कर पाएंगे, लेकिन 30 काम है, 30 में से 20 10 माइनस के तो 20 आ गया, 20 काम फिर भी बचा हुआ है। 20 काम को अकेले ए को करना है, क्योंकि बी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो 20/2 10 आ गया, समझ में आया आपको। इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है कि 3 आदमी हैं, ए बी सी काम करते हैं 10, 15, 12 दिन में। ए और बी ने जो स्टार्ट किया था काम करना, लेकिन 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब बताओ बचाओ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब देखो बचा कौन है, तो 2 दिन मतलब ए ने छोड़ दिया और सी ने छोड़ दिया, ठीक है, और दो दिन बाद। तो बहता हूँ उसमें बीसी वाले जो हम करते थे वो करेंगे, ठीक है। 10, 15, 12 लिया, एलसीएम लिया 60 एंड डिवाइड करके यहाँ 6, 4, 5 आया, ठीक है। अब हमें पता है कि 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया था, ए ने छोड़ दिया था। तो 2 दिन का काम निकालेंगे इसका, 6 टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 वर्क इसने किया था, ठीक है। और सी ने 2 दिन बाद उसके 2 दिन बाद लिखा, देखो लैंग्वेज पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है कि आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज का मतलब है कि इसके ए के 2 दिन बाद के बाद, ठीक है। तो 4 दिन हो गए, ठीक है। तो 5 4 कितना हो गया, 5 काम करता है 1 दिन में, तो 5 4 20 हो गए, 20 वर्क ये काम करता है। 20 प्लस आपने ये किया 12 किया, कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। तो 32 माइनस कितना, टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो 28 वर्क फिर भी बचा हुआ है। तो अकेले बी को कितना टाइम लगेगा, 20/4 7 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। 3 हमने जैसे हम करते थे वैसे में लिखे, अब हमने कुछ नहीं किया। अब हमें इतना पता है कि बस थोड़ा सा लैंग्वेज में टट्टा बना दी कि ए ने 2 दिन बाद, फिर ए आफ्टर ए, देन नेक्स्ट आफ्टर ए, उसके बाद फिर 2 दिन बाद, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सी का लिखा टोटल वर्क, हमने उनका प्लस को प्लस किया, जितना भी हमने साथ में काम किया, देन माइनस कर दिया जितना टोटल वर्क है उससे। तो 28 आया, 28 को हम बी को अकेले 28 काम करना है। तो हमने उसकी जो काम करने की क्षमता 1 दिन में वो 4 है, 4 काम कर पाता है। हमने डिवाइड किया 4 से 28 को, तो 7 डेज हमारा आ गया, समझ आया। अब टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, एक काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, साथ में वो काम को 5 दे वर्क, हाँ उस हाथ में 5 दिन के लिए काम करते हैं, बी लेफ्ट, फिर बी छोड़ देता है 5 दिन बाद, ठीक है। द डे इज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ए को कितना टाइम लगेगा, देखो इसमें सेम वही है, 12/5 लिखा, एलसीएम लिया इनका, देन उसके बाद 5 दिन का उनका काम निकालेंगे, 5 दिन में काम करते हैं। ये देखो यहाँ पर कर रखा है, तो ए 12 दिन में, 15 दिन में, एलसीएम 60,
दोनों साथ में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 9 45, 45 काम करेंगे वो 5 दिन में, लेकिन यहाँ पर तो 60 काम है, तो माइनस किया 15 15 काम फिर बचता है, ठीक है, तो अकेला भी कितने दिन में काम करेगा कंप्लीट, उसे 3 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देगा भी अकेला, समझ आ गया। अब है सेकंड क्वेश्चन, ए अगर 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, बी छोड़ देता है 5 दिन बाद, तो हाउ मेनी डेज मोर ए, ए कितने दिन में काम कम्प्लीट करेगा बचा हुआ, ठीक है, वही करना है कुछ नहीं, फिर एलसीएम लिया उसके बाद, फिर यहाँ पर 30 आ गया आपका जो चार के, यहाँ पर 5 आ गया, 5 बी ने बी ने 5 दिन बाद छोड़ दिया था, तो 5 दिन तक काम किया, तो 5 5 25 25 काम उसने कर लिया, लेकिन टोटल वर्क 30 है, 30 माइनस 25 5 बचा, अब ए को करना है कितना, एक दिन में 3 करता है, 3 के हिसाब से 1 2 बाई 3 आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन देखो अगर एग्जाम में इस फ्रैक्शन में देता है तो आपको तोड़ देना है इसको इसी फ्रैक्शन में, ठीक है, घबराने की बात कुछ नहीं है। अभी हमारा टाइप 3 आ गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पर और टफ बनाई कुछ करेगा वो। अब वो क्या बोला है कि ए काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 9 दिन में, सी काम करता है उसी काम को 12 दिन में, ठीक है, बी और जो बी और सी है स्टार्ट वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 3 डेज, ठीक है, 3 दिन में छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क है वो एक ही दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो अब पहले हम वही एलसीएम लेंगे, 24 9 और 12 हमने एलसीएम लिया, 3 8 6 आ गया। अब यहाँ बोल रहा है कि बी और सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव, ठीक है, 3 दिन बाद में छोड़ दिया, तो बी और सी का हमने देखा टोटल वर्क कितना है, 6 14 30 14 14 वर्क टोटल टोटल था, 3 दिन बाद में छोड़ दिया, इसका मतलब 42 वर्क इन्हें कंप्लीट कर लिया होगा, 72 से हमने 42 माइनस किया, 30 वर्क फ्री बच गया, 30 वर्क को अकेले ए को करना है, तो एक अकेले दिन कितना करेगा, तो 10 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर लेगा 30 काम को, ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब टाइप 4 के अंदर क्या है, टाइप 4 अंदर ये है, ये काम खत्म होने से पहले छोड़ कर जा रहा है, तो हम उसे जाने नहीं देंगे, एज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे कि हो गया ही नहीं, ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि वो हम पहले से ही बोल दे रहा है कि वो उसने काम कंप्लीट किया है, इतने दिन पहले बाद छोड़ दिया, तो हम क्या करें, हम एज्यूम करके चलेंगे कि नहीं उसने छोड़ा नहीं है, हम उसको बाद में फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे कैसे। अब देखो ए और बी अलोन कंप्लीट करते हैं काम को 9 दिन में और 18 दिन में, ठीक है, ये 9 दिन में, बी 18 दिन में, दे वर्क टुगेदर हाउ एवर 3 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट, ठीक है, अब होता है क्या, वो साथ में काम करते हैं लेकिन 3 दिन बिफोर कम्प्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट, ठीक है, काम करने से 3 दिन पहले ही ए छोड़ देता है, अब इसने हमको ये नहीं बताया कि कितने दिन तक काम किया, कितने साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो बस लेकिन हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि उसने काम किया, ठीक है, हम ये भूल जाएंगे कि वो 3 दिन उसने पहले छोड़ दिया, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, तो कितने दिन में वो काम कम्प्लीट होगा, ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमने वही एलसीएम लिया 9 एंड 18 का एलसीएम, लेकिन यहाँ पर दो दो और एक आया, टोटल यहाँ पर 3 आया, ठीक है, अब 18 काम है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास हमारे साथ है, ठीक है, तो अब हमारे पास पता है कि जो ए है उसने 3 दिन पहले वो छोड़ दिया था, यही तो आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 काम करता है उसको हम इंटू कर देंगे 3 से, हमने क्यों किया उसको, देखो ध्यान समझो, 3 से 2 को इंटू करने का मतलब यही है, ये हम ये एज्यूम हम ये चाहते हैं ऐसा हो जाए जो टोटल वर्क है हमारे पास आ जाए, ठीक है, मतलब इसने जो ये 6 काम है, ये 6 काम उसने नहीं करे, किसने नहीं करे, ए ने नहीं करे, क्योंकि वो पहले छोड़ के चले गया 3 दिन पहले, तो ये काम तो उसने किया ही नहीं, 6 काम, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको एज्यूम करके चल लिया कि उसने ये काम किया है, ठीक है, तो हमने जोड़ दिया इसमें, किसमें जोड़ दिया, 18 प्लस 6 का अंदर जोड़ दिया, क्योंकि तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है ना कि अगर वो साथ में काम करेंगे, इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कम्प्लीटेड, ठीक है, तो हमने मान के चला कि उस छोड़ा ही नहीं है, तो हमने यार क्या कर दिया, प्लस कर दिया 6 को 18 24 आ गया, अब टोटल काम किसको करना है, जो बचा हुआ काम है किसे करना है, वो करना है आपको बी को, तो 24 कितना हो गया, 24/3 हो गया, क्योंकि साथ में काम कर रहे थे वो, तो 8 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर लेंगे, आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साथ में कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कम्प्लीटेड, साथ में वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि क्वेश्चन मान के चल रहा है कि उन दोनों साथ में काम किया, ठीक है, लेकिन वो उसने कंडीशन लगा दी कि उस 1 दिन पहले 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसने वो जो 6 काम है उसको गायब कर दिया, तभी तो यहाँ पर उसने जो हमें जो डिटेल्स दे रखी है वो 9 18 दे रखी है, ठीक है, लेकिन जो उसने 6 वाली जो जो डिटेल है वो गायब कर दी, ठीक है, अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है, ठीक है,
ताकि हमको पता चल जाए कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में काम कर साथ में कर सकते हो दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि वो साथ में कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसने जो दे रखा है यहाँ पर वो अधूरा दे रखा है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं ऐड वाड करके यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर है कि 3 मैन ए बी सी कंप्लीट करते हैं वर्क को 10, 12, 15 दिन के अंदर। ए बी सी अगर साथ में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ए और सी लेफ्ट कर देते हैं 3 दिन बाद, ठीक है। 3 दिन बाद में छोड़ दिया बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, देन हो वर्क जो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात वही है, फिर हमें 10, 12 उसका एलसीएम ले लिया, 60 आया, 6, 5, 4 का काम करने की काम करते हैं वो आ गया, ठीक है, पर डे के हिसाब से टोटल टोटल की 15 आया। अब वो बोल रहा है कि ए और सी ने कितने दिन, 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो काम कितना करते हैं, ए और सी साथ में काम करेंगे 10 काम करेंगे, ठीक है। 3 दिन पहले छोड़ दिया मतलब 30 काम वो कर सकते थे, ठीक है। 30 काम ऐड करेंगे 60 के ऊपर, जैसे ऐड किया तो 90 हो गया, देख सकते हो 90 हो गया। अब वो बोल रहा है कि देन होल वर्क कंप्लीटेड कितना टाइम लगेगा, तो होल वर्क कंप्लीट करने में जो टोटल वर्क इनका जो टोटल है वो 15 उससे डिवाइड कर दिया, 6 दिन के अंदर जो पूरा काम है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगर छोड़े ना। तो वो पूछ ही ये रहा है, क्वेश्चन पूछना ही यही चाह रहा है कि अगर वो छोड़े ना, अगर तीनों साथ में काम करें तो कितने दिन वो काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज आपको इस तरह लगी होगी, नहीं नहीं वो पूछ रहा है कि बचा हुआ काम मतलब जो अब बचा हुआ का जो काम है वो पूरे जो काम है कंप्लीट कब होगा, लेकिन कहने का मतलब उसका यही है कि जो टोटल काम है वो कंप्लीट कितने दिन में होगा जो अगर तीनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए और सी ने छोड़ा है, ठीक है, ये तो हमको पता है कि ए और सी ने 3 दिन पहले छोड़ा, लेकिन 3 दिन छोड़ने से पहले उनने जो काम किया वो तो हमको नहीं पता है ना वो कि उनने कितना काम किया, क्योंकि हम इसके बेसिस पर निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने से पहले जब छोड़ने से पहले तो उनने काम किया ही होगा, ठीक है। तो वो हमको नहीं पता, तो वो हमको निकालने के हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 6 दिन हमारा आ गया। अब किसी मन में ये क्वेश्चन चला होगा कि हम माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, 30 को माइनस कर देंगे 90 को तो वहाँ पर 60 आ गया, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो ए और सी जो है, ठीक है, देखो हम माइनस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें वर्क फाइंड करना है, हमें डेज फाइंड करना है, ठीक है। अब जो डेज है ना, जो डेज है उसके अंदर उनने काम तो किया ही है ना, उनने काम किया है तो हमें उसको प्लस करना है, जो जितना भी उनने काम किया उसको प्लस करके चलना है ताकि हमको पता चले कि उनने काम कितना किया है, ठीक है। क्योंकि उसने तो माइनस जो क्वेश्चनर है, ठीक है, उसने तो उसमें दिया ही नहीं है, उसने बस इतना बता रखा है कि ए और बी सी और सी ने 10, 12, 15 दिन काम किया, हाँ सॉरी कंप्लीट करते हैं वर्क इतने इतने दिन में, उनने साथ में ए और सी ने 3 दिन के अंदर काम किया, ठीक है, छोड़ दिया मतलब। तो उसने ये दिया ही नहीं कि बाकी लोग कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी लोग कब छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, तो उसने एक ही का दे रखा है, लेकिन वो जो 2 का दे रखा है, ठीक है, उसने उसमें ऐड नहीं कर रखा है टोटल वर्क है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल वर्क में ऐड कर देना है, ऐड करने से हमको पता चल जाएगा कि उनने कितना काम किया, ठीक है, वो छोड़ने से पहले कितना काम किया, छोड़ने से पहले पता चल जाएगा कितना काम किया, तो तीनों साथ कितना काम कर सकते हैं वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, बस आपको मैथड समझ लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी कंप्लीट करते हैं वर्क को 10, 12, 15 दिन में। ए लेफ्ट करता है वर्क को 5 डेज बिफोर द वर्क अनकम्प्लीटेड, बी 2 दिन पहले करता है आफ्टर ए हैड लेफ्ट। देखो यहाँ पर इसने लैंग्वेज घुमा दिया, ठीक है, इसने बोला है कि ए तो 5 दिन पहले छोड़ देता है लेकिन बी छोड़ता है 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट, ठीक है, मतलब 7 दिन हो गए। समझ आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये दिनों कितने हो गए, यहाँ पर हो गया आपका 5 और ए के बात छोड़ा है तो कितना हो गया, 7 हो गया। नंबर ऑफ डेज टू कम्प्लीट द ऑल वर्क, ठीक है, तो ऑल वर्क कम्प्लीट करने में 2 दिन टाइम लगेगा, ठीक है। अब वही हम जैसे एल्सियम लेते थे, यहाँ पर 6, 5, 4 आ गया, ठीक है। अब ए जो ए है वो 6 वर्क, ठीक है, तो उसने 5 दिन पहले छोड़ दिया मतलब 30 काम था, ठीक है। एंड जो बी था वो मतलब जो 30 काम है वो बचा होगा, समझ आ रहा है आपको, 30 काम बचा होगा, और जो बी है उसने ए से 5 दिन सॉरी उसने 5 काम करता है, उसने 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब देखने वाली बात है, हमने 3 क्यों लिया, हमने यहाँ 2 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो बेसिकली बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट, ठीक है, तो बी ने 2 दिन बाद छोड़ा, ठीक है, जब ए ने छोड़ा मतलब जब ए ने 5 दिन पहले लेफ्ट किया उससे 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, ठीक है, तो टोटल 3 दिन पहले बी ने छोड़ा, बल्कि कहने का मतलब है कि जब ए ने छोड़ा इसका सॉरी वो 7 नहीं होगा, वो 3 होगा, वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि ए के बाद उसने छोड़ा, मतलब हम खाली ए का एक ही दिन गिन रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि
बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट, ठीक है, जैसे ए ने छोड़ा उसके 2 दिन बाद फिर बी ने छोड़ दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए बी ने मान लो के लिए मान लो 25 को छोड़ा, ठीक है, मान लो 1 तारीख को बी ने छोड़ा, ए ने छोड़ दिया, ठीक है, तो 2 दिन बाद फिर बी ने भी छोड़ दिया, ठीक है, तो एक वो जो ए का 1 वो उधर गिनेंगे नहीं है, और 1 2 3 वो गिनेंगे, ठीक है, 3 दिन हो गए, ठीक है, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, उस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा। अब जो टोटल वर्क है वो 30 और 15, ठीक है, टोटल वर्क 30 और 15 पर 60। तो अपन लोग जो हम कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम प्लस कर दे रहे हैं, प्लस इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमको पता है कि उनने जो काम किया ना, उन्हें जो काम बच गया, देखो माइनस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम बच गया, मतलब उनने पहले छोड़ दिया इसका मतलब काम बच गया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि इतना काम बच गया, इतना काम जो करना था ना वो नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए को वो 5 दिन जो पहले उसने छोड़ दिया, मतलब 30 काम उसने नहीं किया, उसे करना था लेकिन उसने नहीं किया। बी ने 2 दिन मतलब 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो वो जो 15 काम था वो नहीं किया। तो अब वो इनकी जो इफिशेंसी है, जो भी ये काम करते हैं एक दिन में 6 5 4, ठीक है, कितना 15 काम करते हैं, तो ये 15 जो काम करते हैं एक दिन में, तो अब उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि कितना काम वो कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने निकाला प्लस करने के बाद 105 15 से डिवाइड किया, तो 20 / 3 7 दिन में वो काम कर पाएंगे, तब हम इसको प्लस कर रहे हैं क्योंकि हम हमको पता है कि वो काम बचा हुआ है, माइनस कर देंगे इसका मतलब कि वो काम तो हो गया, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है क्योंकि वो काम वो नहीं हुआ, वो काम हमने वो काम नहीं हुआ तभी हम प्लस कर रहे हैं। प्लस करने का ऑब्जेक्टिव यही है, ये चोकेस करना कि काम नहीं हुआ है, हमें उसको दिखाना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 मैन ABC काम कम करते हैं 10 12 15 दिन में, ए लेफ्ट करता है 2 डेज बिफोर इनक्यूबेशन ऑफ वर्क, बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर, ठीक है, तो इतनी बहुत ईजी है, ठीक है भाई, एलसीएम लिया 60 6 5 4 आ गया, तो 2 दिन पहले करता आपका ए, 12 काम बचा था, ये 5 से 20 15 15 काम बचा था, तो हम सबको ऐड कर देंगे 60 12 15 87 आ गया, तो 87 काम टोटल हमारे पास बचा हुआ है। चलो तीनों की हम देखेंगे कितना काम करते हैं एक दिन में, 15 काम करते हैं, तो उसके हिसाब से 20 / 5 आया, तो 5 4 / 5 का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5th वाला। अब टाइप 5 आ गया यहाँ पर, अब 3 आदमी ABC 15 12 10 काम करते हैं, ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, ठीक है, ABC स्टार्ट करते हैं काम करना लेकिन जो सी है वो काम छोड़ देता है आफ्टर 2 डेज 2 दिन बाद, ठीक है, बी लेफ्ट वर्क 3 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, वो 3 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा वो काम करने में, ठीक है, अगर वो साथ में करेंगे, उसने लिखा नहीं साथ में करेंगे लेकिन काम कभी करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं ऐसे में 4 5 6 यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है कि सी लेफ्ट द वर्क 2 डेज 2 दिन पहले छोड़ दिया सी ने, तो 6 2 12 हो गया, एंड बी लेफ्ट वर्क 3 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, तो यहाँ पर आप देखोगे, अब देखो यहाँ आपको आफ्टर और बिफोर का बहुत समझना जरूरी है। आफ्टर का मतलब ये होता है कि 2 दिन ही काम किया, 2 दिन बाद उसने छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, पहले मतलब फॉर एग्जांपल 30 दिन का अगर काम था तो बी था उसने 27 डेज वर्क किया और 3 दिन थे लास्ट के वो काम नहीं किए, ठीक है, तो हम ये करते हैं कि 3 दिन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि हाँ इतना काम और करना है, उसमें फिर लास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, इतना काम भी उनको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है आफ्टर। अब हमें ये पता नहीं कितना कितने नंबर ऑफ डेज हैं जिन्होंने साथ में काम किया, वो इतना पता है कि उस भी इन्हें सिर्फ 2 ही दिन काम किया और छोड़ दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना उसने काम किया उसको हम माइनस कर देंगे जो जितना टोटल ऑफ वर्क था, ठीक है, तो 4 5 6 हम यहाँ पर जो काम करते हैं वो आया। अब हमें क्या करना है, मतलब 6 मतलब सी ने 2 दिन काम किया, 6 12 12 वर्क उसने किया फिर छोड़ दिया, 60 - 12 हो गया 48 हो गया, ठीक है, 48 काम बच गया, ठीक है। अब बिफोर वाला तो 5 × 3 कर दिया क्योंकि बिफोर उसने 15 आ गया, 15 में प्लस कर दिया 40 तो 63 आ गया, ठीक है, तो टोटल ओनली ए एंड बी, तो ए और बी 9 दिन के अंदर, ठीक है, बिकॉज हमने ए और बी को लिया बिकॉज ही रिज्यूम ए एंड बी कंप्लीट रेस्ट वर्क, क्योंकि जो सी है उसने ऑलरेडी रिमूव, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सी ने दो दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको हम मान के चल रहे कि वो हट गया, ठीक है, उसने 2 दिन उसने काम किया ही नहीं क्योंकि हमने पहले माइनस कर दिया उसको। अब हम पता है कि सिर्फ ए और बी ही है, तो हमने ए और बी का ही जो टाइम जो काम करते हैं वो पर डे के हिसाब से हमने वही ले के चले, तो 9 काम वो कर सकते हैं 63/9 7 दिन के अंदर काम कंप्लीट करके आपको दे देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अब टाइम 6 करते हैं,
अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी करते हैं पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है, दोनों जो काम करते हैं वो 30 दिन के अंदर काम कर लेते हैं, लेकिन बी और सी 24 दिन में काम करते हैं, सी और ए 20 दिन के अंदर काम करते हैं, ऑल द वर्क टुगेदर देन इन 10 डेज, ठीक है, सब वर्क वो 10 दिन के अंदर काम कम्प्लीट कर देते हैं, वैन बी और सी लीव हाउ मेनी डेज मोर ए टेक्स, ठीक है, ऑल द वर्क कम टुगेदर इन 10 डेज वैन बी एंड सी लीव, ठीक है, तो सारा काम ऑल द वर्क टुगेदर देन इन 10 डेज, ठीक है, तो बी और सी लीव करते हैं जब, तो हाउ मेनी डेज मोर ए टेक्स, तो ए कितना समय और लेगा काम करने में, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो सबको एलसीएम लिया, ठीक है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का एलसीएम लिया 120 आ गया, ठीक है, 4, 5, 6 इसकी काम होने की क्षमता आ गई 15 आ गया। अब हमको पता है कि दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, ए दो बार, बी दो बार, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, इसके बराबर 15 लिख दिया, 15/2 हो गया, यहाँ 7/1/2 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये है, अब देखो हमको क्या करना है, हम क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी डेज ए टेक, ठीक है, तो ए अकेला 120 काम करने में कितना सकता है टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कि ए की जो इफिशेंसी है वो कितनी है, ठीक है, अब आप कहोगे कि ये 4 तो नहीं है, नहीं नहीं 4 नहीं निकलेगा, ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, हमें ए की वैल्यू जो फाइंड करनी है कि ए का कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इतना काम करने में, ठीक है, तो ए कितना टाइम ले लेगा, तो हमने क्या किया, देखो अब आप कहोगे कि हमने यहाँ से 4 क्यों ले लिया ए, क्योंकि हमें ए की सिंगल वैल्यू नहीं पता है ना, हमको यहाँ पर मिक्स करके वैल्यू देखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ए बी सी होता तो हम सिंगल वैल्यू निकाल लेते, यहाँ मिक्स वैल्यू है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर 2 ले लिया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो हमारे बी बी प्लस सी की वैल्यू दे रही है यहाँ पर 5, ठीक है, तो 5 ले ली, अब हमको पता है कि 15/2 होता है, हम उसको तोड़ लिया, ठीक है, क्यों तोड़ लिया, क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए, हमको पता करना है कि ए की वैल्यू क्या है, तो हमने तोड़ लिया 15/2 को 7/1/2 में, तो हमको पता है कि 5 इसमें 7/1/2 में से 5 जो है ना 5 जो वैल्यू है वो क्या है बी प्लस सी की है, तो जो बची हुई किसकी होगी वो ए की होगी, तो 2/1/2 किसके आ गई 5 को माइनस करोगे 7/1/2 को माइनस करोगे 5 से, कितना हो गया 2/1/2 बचा, तो हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 5/2 बना दिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल द वर्क टुगेदर देन इन 10 डेज, ठीक है, अगर सब साथ में काम करते तो 10 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब कि 15/2 हमने लिया जो टोटल था यहाँ इसका, ठीक है, जो हमें टोटल आया था 15/2 उसको इंटू करते हैं 10 से, ठीक है, तो 75 वर्क वो कंप्लीट कर लेते हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब ऑल द वर्क टुगेदर इन 10 डेज, ठीक है, हाउ मेनी डेज ए डे, तो 10 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर लेते, लेकिन काम कितना था, काम तो 120 था, जो काम था उनने कहा कि सारा काम उनने 10 दिन के अंदर, मतलब सब सबने साथ मिलकर 10 दिन के अंदर काम किया, ठीक है, वैन बी और सी लीव, लेकिन बी और सी ने लीव कर दिया, 10 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, लेकिन फिर बी और सी ने लीव कर दिया, तो 10 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो 15/2 किससे हमने इंटू किया 10 से, काटा फिटी करी, तो 75 वर्क मतलब उन्होंने साथ में काम कम्प्लीट किया, ठीक है, ए बी सी ने। अब उसके बाद फिर बी और सी ने छोड़ दिया, तो अब ए को बचाओ काम करना है, तो हमने क्या किया 120 को माइनस किया 75 से, तो 45 काम फिर भी बचा हुआ है। अब हमने जो ए करने के जो काम कर सकता था एक दिन के अंदर वो 5/2 है, हमने 2 को ऊपर ले गए 15/2 काटाफेटी करके 18 दिन में वो बहुत बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या हुआ, हमने ए बी सी लिखा, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए लिखा, एलसीएम लिया, हमारे पास 4, 5, 6 आवर्स की जो काम करने की क्षमता वो आई, 15 काम वो कर सकते हैं एक दिन के अंदर, हमने 2 करके ए प्लस बी प्लस सी करके 15 लिखा, ठीक है, देन 15/2 आ गया, बी प्लस सी 5 काम कर सकते हैं, बचा हुआ काम 2/1/2 था, ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना है, तो हमको उसने ये क्वेश्चन में ये बोला कि साथ में, ठीक है, उनने 10 दिन तक काम किया, टुगेदर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम ए कितने दिन मिलेगा, तो हमने 15/2, क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 15/2 है, तो 15/2 मतलब इतना उन्होंने काम किया, 10 दिन तक उन्होंने काम किया, तो मैंने इसको सीधा इंटू में लिख लिया, ठीक है, अगर वो 10 दिन उसने अगर क्वेश्चन में आएगा कि 10 दिन तक काम किया, 7/15 तक काम किया, तो उसको आप इंटू में लिख लोगे, काटा पीटी करी, तो हमारे पास 75 वर्क आ गया, जो निकल गया है वो हमारे पास वर्क है, याद रखना जो निकल गया हमारे पास वर्क है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको माइनस कर दिया जितना टोटल नंबर ऑफ वर्क था उससे, माइनस करने के बाद हमारे पास 45 वर्क बचा, उसको हमने अपॉन में लिख लिया 5/2 से, फिर हम 2 को ऊपर ले गए, उसके बाद हमने काटा पीटी करके हमारे पास 18 दिन वापस आ गए, ठीक है, तो ये हमारे पास था इस वीडियो में, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर हमने अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है,
और हमने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं प्ले लिस्ट के सेक्शन में, अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें पूरा हमने अच्छे से क्वेश्चन करा रखे हैं। ये हमारे पार्ट टू था, आप नीचे पार्ट सिक्स सेवन तक जाओगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन करा रखे हैं, पूरे पूरे लेंथी क्वेश्चन करा रखे हैं, अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। जो इसमें कवर नहीं हो पाए वैसे तो इसमें सारे कवर हो चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत भी जो बच चुके हैं ठीक है वो वहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो यार टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।